हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख रहे हैं रिक लिस्ट चैनल। मैं हूँ रिक। मैं आज आपको बताऊंगा फर्स्ट टाइम डॉग ओनर को कौन सा डॉग लेना चाहिए और उसको वो क्यों लेना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम डॉग ओनर को कौन सा डॉग लेना चाहिए। तो गाइस, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कौन सा डॉग कितना एग्रेसिव हो सकता है और उसको कैसे रखे, तो उसको लेना चाहिए लैब्राडोर जैसे कोई लॉयल डॉग ब्रीड, फ्रेंडली डॉग ब्रीड। ऐसा नहीं कि उसको काफ़ी एग्रेसिव डॉग ब्रीड ले लिया जैसे कोई रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन। उसको लेना चाहिए काफ़ी लॉयल डॉग जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर। एक दो डॉग पालने के बाद आप ले सकते हैं रॉटविलर चाहे जर्मन शेफर्ड, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी अच्छे तरह से हो जाएगा अगर आप कोई डॉग पालेंगे, लॉयल ब्रीड पालेंगे। लेकिन कुछ डॉग ओनर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होने के बाद भी काफ़ी अच्छी तरीके से पाल सकते हैं अपने कुत्ते को, जो काफ़ी एग्रेसिव होता है जैसे रॉटविलर और डॉबरमैन। अब मैं बात कर लेता हूँ क्यों उनको नहीं लेना चाहिए एग्रेसिव डॉग ब्रीड। गाइस, उसके पास कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं उसको कैसे रखना चाहिए, जैसे रॉटविलर हो गया, पिटबुल हो गया, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होने के बाद ये सब नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो सब काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। अगर आप उसको ठीक से नहीं रख पाएंगे तो वो आपका फैमिली मेम्बर और बाहर के जो लोग होते हैं उनको भी अटैक कर सकते हैं अगर आप उसको ठीक से सोशलाइज नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई लॉयल डॉग ब्रीड को लीजिए जैसे गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर रिट्रीवर एक्सेट्रा। ऐसे डॉग ब्रीड को अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होने के बाद लेंगे तो आपको काफ़ी कम प्रॉब्लम आएगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके लाइक करके जाइएगा चैनल।